देखिए किस तरह से जो घटिया निर्माण किया जा रहा है, हाथ लगाते ही ये जो है पूरी तरह से निकल जा रहा है प्लास्टर, मतलब किसी तरह की कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हमने इधर उधर से लोन लिया, लोन 11.5% के लिए 7.5 लाख का मकान को 19,25,200 रुपए भरना पड़ रहा है। 25,200 रुपए आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7,605 रुपए की मेरी एमआई जाती है। अगर कोई भी किराएदार रह रहा हो तो आप चल के देख लीजिए, यहाँ तो मकान मालिक को ही मकान नहीं मिला तो किराएदार क्या रहेगा, आप बताइए। इतना घटिया निर्माण हुआ है जिसकी हम कई बार शिकायत कर चुके हैं माननीय कमिश्नर साहब से, मगर कोई भी उस पर निर्णय नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री योजना की सबसे बड़ी योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका राजधानी में क्या हाल है आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का काफ़ी बखान किया जाता है, और जो प्रचार के दौरान जो आपको एक वीडियो दिखाए जाते हैं उसमें बड़े आलीशान बिल्डिंगें दिखाई जाती हैं, आखिर वो आलीशान बिल्डिंग की हकीकत क्या है वो जानने के लिए आज हम राजधानी भोपाल के बाग मुगलिया में पहुँचे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है ये आज हम लोगों से जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं भैया, क्या है ये, मतलब कब तक पूरे होने थे ये मकानों को और ये कब से बनना शुरू हो रहे हैं? ये 2019 का प्रोजेक्ट है और इसका जो 2022 लास्ट तक कहा गया था हमें कि दिवाली पे आपको इसका पजेशन मिल जाएगा, जो कि आज दिनांक तक हमें इसका पजेशन नहीं मिला और ये अधूरे के अधूरे हैं, और इसमें इतना घटिया निर्माण हुआ है जिसकी हम कई बार शिकायत कर चुके हैं माननीय कमिश्नर साहब से, मगर कोई भी उस पर निर्णय नहीं लिया गया है और हम काफ़ी बहुत लोग परेशान हैं। अच्छा, कब से आप लोग ये शिकायत कर रहे हैं और क्या इसके लिए आप लोग क्या कर चुके हैं अब तक, किस किस को ये बात बता चुके हैं? 2020 से हम लोग शिकायत कर रहे हैं, हम इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी शिकायत कर चुके हैं लिखित में, और कृष्णा गौर जी के यहाँ भी जा चुके हैं, और उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी थे, उनके निवास पर भी जाके हमने आवेदन दिया था, और महापौर मालती राय की यहाँ भी दिया हमने, कमिश्नर जी भी 3 बार चेंज हो चुके हैं, मगर वो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब 2019 से जब ये मकान बनना शुरू हुआ उसके बाद से 3 कमिश्नर बदल गए और तमाम जनप्रतिनिधियों को आपने बताया, लेकिन आपकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा भाई साहब। तो क्या 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 समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर? सारी समस्याओं का सामना, अभी पूरा काम बंद पड़ा हुआ है सर, अभी कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ परिवार बेचारे रह रहे मजबूरी में रह रहे हैं, उनके रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन क्या करेंगे कि मजबूरी में आके इस अधूरे मकान में रह रहे हैं, ना ही उनके पास बिजली है ना ही पानी है। देखिए बिजली का खंभा लगा हुआ लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा ये खंभा दिखा, देखिए ये खंभे खड़े कर दिए लेकिन ट्रांसफार्मर में नहीं लगा, और अभी आप देख सकते हैं नीचे की व्यवस्था भी देख सकते हैं, तमाम चारों ओर गंदगी दिखाई देगी, और ये निर्माणाधीन जो है टाइल्स भी दिखाइए, देखिए किस प्रकार से जो है 2019 से जो है इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, लेकिन आज 2024 चल रहा है और 2025 भी आने वाला है, लेकिन अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। रेवासियों से और जानेंगे भैया, क्या कब कब आपने बुक किया था इसको? सर 3 साल करीब हो गए इसको बुक किया। 3 साल तो क्या क्या मतलब कितना आपने पैसा दिया था बुकिंग के? सर ने मेरे बच्चे ने किया है। अच्छा, बच्चा का ट्रांसफ़र इंदौर हो गया है, मजबूरन यहाँ किराए से रहते थे, बच्चे का ट्रांसफ़र होने के कारण 1.5 महीना पहले मैंने सामान रख दिया हूँ यहाँ पर, न लाइट है अंदर न पानी है, बड़ी बुरी स्थिति है, तब भी हम रह रहे हैं यहाँ पर क्या, और यहाँ के ठेकेदार से बात करते हैं, उनका कर्मचारी से बात करते हैं, उचित जवाब नहीं देते, मनमानी करते हैं, काम बताओ इधर, खाली मल्टी में काम कर जो रह रहे हैं वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री योजना का आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्राम मतलब आवास योजना का ग्राम किसी तरह से हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या समस्या मानते हैं, मतलब किस तरह की गड़बड़ी हो रही है? सर देखिए इसमें ये प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों ने बुक कराया तो उस समय 7.5 लाख रुपये किसका प्राइस था, हम लोगों ने सब ने लोन लेके मैक्सिमम लोगों ने लोन लेके इसका भुगतान किया है, और day 1 पे जब अलॉटमेंट हुआ जब भी हम लोगों ने लोन लेके इसका पेमेंट कर दिया, 3 साल से सभी लोग किस्त दे रहे हैं, और उसके साथ साथ और जो ये इसमें योजना में ये है कि जिनके खुद के मकान नहीं उनको मकान देना है, तो जिनके मकान नहीं वो लोग सब रेंट पे रह रहे हैं, आप ये मानिए 7 से 8 हज़ार रुपये महीना आदमी रेंट दे रहा है और उसके बाद इसकी किस्त दे रहा है, तो उसके साथ कैसे मैनेज हो पाएगा? किस्त आ रही है सर, मैंने लोन कराया है प्राइवेट बैंक से, मेरी 7,500 रुपये महीने की किस्त आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था जब आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सोचा होगा तो आप मतलब क्योंकि एक आम आदमी वैसे तो मकान लेने में बहुत असक्षम होता है, तो प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको क्या लाभ मिलना था, मतलब जो आप सोच के ये मकान लिए? सर
सर हमने सोचा था कि हमारा इस शहर में एक आसियाना हो जाएगा और रहने के लिए सुविधा रहेगी, पर उसका हमें कहीं तक आता पता नहीं। हम लोगों ने सभी जिम्मेदार लोगों तक दरवाजा खटखटाया पर हमारे पास कोई सूद लेने के लिए नहीं है, और कभी भी जाते तो हमें आश्वासन मिलता कि 2 महीने मिल जाएगा, 4 महीने मिल जाएगा, पर उसका परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला। हम 2 साल से लगातार मीडिया में दे रहे हैं और उनके केबिनों में ऑफिसों में जाके आवेदन दे रहे हैं, पर उसका कोई निर्णय नहीं। धरने जा रहे हैं, सारे लोग पब्लिक जाती है अपना काम धंधा छोड़ के, छोटे बच्चों के साथ लेडीजें सब जाती है, पर होता है हमें 1-2 महीने का आश्वासन मिल जाता है और कुछ भी नहीं होता। इसके साथ साथ पूरी आप खुद देख लीजिए कैमरामैन से बोल के कि इसमें इतना घटिया निर्माण हुआ है कि ये दीवाले अगर हाथ लगा रहे हो तो हाथ से इसका मटेरियल झड़ रहा है, आप खुद देख लीजिए। थोड़ा सा चलकर देखते हैं जो ये रहवासी बता रहे हैं कि किस प्रकार से घटिया निर्माण किया जा रहा है। कैमरामैन से कहेंगे वो सब दिखाते जाएं जिस आसपास का जो पूरा है। सर पहले तो ये लिफ्ट है, ये 5-6 परिवार रह रहे हैं, तो हम ट्रांसफार्मर की मांग कर चुके हैं और हमने अपर आयुक्त नीति जी से भी ट्रांसफार्मर के लिए शिकायत लिखित में दी थी, जो कि आज 1 महीना हो गया, ना ट्रांसफार्मर लगा ना कुछ हुआ। हम सब मीटर लगा के कुछ लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं और काफी परेशान है, ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। ये लिफ्ट भी सर देखिए बंद पड़ी हुई है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में अगर कोई बच्चा गिर गया या कोई बच्चा कोई कुछ भी दुर्घटना यहाँ हो गई तो उसके जवाबदार भी नगर निगम नहीं ले रही है, बोले हमें कोई मतलब नहीं, आप अपनी मर्जी से वहाँ रह रहे हो। तो हमें तो सर हर जगह से मार पड़ रही है, हम क्या करें बताइए। अब हमारे पास सिर्फ आत्महत्या का विकल्प बचा है। आप शिकायत करने जाते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है, कब तक ये काम पूरा कर दे? ये सिर्फ आश्वासन हमेशा यही मिल रहा है, 2-3 महीने वो इस पे डालता है, वो इस पे डालता है, कोई नहीं सुनता। ऐसा कब से चल रहा है? 3 महीने 2 महीने 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। चप्पलें फट गई चक्कर लगा लगा के, बस इन लोगों के कान में जूनी रेंग रही, क्योंकि सब पैसा खा रहे हैं, सब भ्रष्ट है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का जो धजिया उड़ा दी, मतलब जो केंद्र की अच्छी योजना थी इन्हें राज्य ने पूरा खराब कर दिया है। मगर हम अब किसको अपना दर्द बताएं? ये महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। अब या तो हम आत्महत्या कर लें। तो प्रधानमंत्री तक ये बात ही नहीं पहुंच पा रही है कि देश में क्या हो रहा है। इतना बड़ा एमपी पूरा बीजेपी के अंडर में है, तो बीजेपी हर तरह से वोटिंग करके हर तरह से बीजेपी का पूरा राज है एमपी में, लेकिन एमपी में ही देखिए कितना घटिया काम हो रहा है। तो बीजेपी आदमी किस लिए सरकार चुनता है कि भाई उसका अच्छा भविष्य हो, अच्छी चीज़ हो, अच्छा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपन ने इतना पैसा खर्च करके बीजेपी को चुना है, बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी ही देखिए ना अपने साथ कैसा कर रही है। तो मतलब प्रधानमंत्री का नाम ही खराब कर रहे हैं ना। तो आपको जो इस योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलना था वो किसी तरह का लाभ नहीं मिला सर, बर्बादी हो रहा है सर। किस्त भर के परेशान है सर, 3 साल से पिछले 3-3.5 साल से किस्त भर रहे, जितने का मकान नहीं उससे आधे पैसे भर चुके अभी तक के, जितना बैलेंस है वैसा का वैसा ही है। अब बताइए ना ये किस मतलब से हमें प्रधानमंत्री के नाम से घर दिए जा रहे हैं? तो क्या है भाई साहब, हम बताना चाहते हैं, नगर निगम का बीजेपी का खास तौर से बीजेपी का ही नारा है, पहले आओ पहले पाओ। गवर्नमेंट ने वहाँ बैठी हुई है, वो क्या बोलती है, गरीबों के साथ में है, गरीबों के विकास के लिए हम लड़ते हैं, यही बोलती है, बोले कुछ खाते पीते नहीं है। लेकिन सोचिए, पहले आओ पहले पाओ का नारा नगर निगम ने लगाया कि पहले आओ पहले, हमने इधर उधर से लोन लिया, लोन 11.5% के लिया, 7.5 लाख का मकान को 19,25,200 रुपये भरना पड़ रहा है, 25,200 रुपये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7,605 रुपये की मेरी एमआई जाती है। सरकार तो इस तरह से बखान करती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को जैसे निःशुल्क, ये सब झूठ बोलने का है। आप हमको प्रूफ करके दिखाएं ना, हम पीड़ित लोग हैं, हमें बताएं ना कि कहां आपको आवास योजना का फायदा मिल रहा है। हर चीज का हम पैसा दे रहे हैं, लाइट लगवाते हैं पैसा देते हैं, आज बताइए 4 साल हो गए, रोते गाते कोई सुनवाई नहीं है, यहां से ऊपर तक आवाज जाती है लेकिन उसको दबा देते वहीं के वहीं, कोई मतलब नहीं रखते, ना कमिश्नर ना कलेक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी एमपीबी में बताइए हमने कितनी बार बोला कि वो लगा दीजिए ट्रांसफार्मर, कुछ भी नहीं लगा रहे, और बोलते 500 रुपये तो अगर लाइट जलानी है तो। अब अंडर कंस्ट्रक्शन हम कैसे मकान में रहें बताइए, 4 साल हो गए मकान लेते हुए, हमारे पास प्रूफ है, पहले आओ पहले पाओ का नारा लगा, पूरा पेमेंट कर दिया है नगर निगम को, फिर भी नगर निगम नहीं देना चाह रही मकान, और अभी भी आए दिन योजना निकाल रही है कि झुकिया तोड़ के मकान बनाएंगे, तो ये फालतू का क्यों निकाल रही है? क्योंकि जो आज हम परेशान है कल वो लोग परेशान होंगे। कल महापौर का एक बयान भी आया था, उन्होंने कहा कि झुग्गी वाले मकान ले लेते हैं लेकिन किराए पर देते, तो यहाँ तो किराए का, यहाँ तो अगर कोई भी किराएदार रह रहा हो तो आप चल के देख लीजिए, यहाँ तो मकान मालिक को ही मकान नहीं मिला तो किराएदार क्या रहेगा, आप बताइए। और जो बोलते हैं कि हम झुग्गी, इससे अच्छा तो हम झुग्गी में खुश थे, आज हम किराया दे रहे हैं, मकान का किस्त भर रहे हैं हर साल, तो इससे अच्छा तो हम झुग्गी में किस्त, झुग्गी में 200 रुपये 300 रुपया लाइट का बिल आता था, हैं यहाँ तो बताइए लाइट की भी व्यवस्था नहीं, और 500-500 रुपया लाइट दे रहे हैं हम लोग, अगर रहना चाहें अंडर कंस्ट्रक्शन में तो 500-1,000 रुपया लाइट का मांग रहे हैं, बताइए। एमपीबी लगाएं, मीटर के थ्रू पैसा लेना हमसे। तो ये राजधानी भोपाल में जो है प्रधानमंत्री योजना का हाल है।
मकान मिलना तो दूर की बात है, अगर मकान निर्माण ही पूजा हो जाए तो उससे ही लोग जो है थोड़ा सा उनको लाभ मिलेगा। ये अब हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि किस प्रकार से घटिया क्वालिटी का जो है मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। भैया थोड़ा सा बताइए किस तरह का जो मटेरियल रहने के लिए। अच्छा, ये मकान रहने के लिए यहाँ बताइए कैसे रहे, 4 साल से उन्होंने हमें अब साधन दे रहे हैं। कैमरा मैन से कहूँगा आपको दिखाए कि ना सिर्फ खाली जो है 3 साल से 4 साल से निर्माण हो रहा है और इस तरह का निर्माण किया गया है पूरा घटिया क्वालिटी के साथ। ये लोग कह रहे हैं कि अगर हाथ से पकड़ लें तो ये झड़ना शुरू हो जाता है प्लास्टर, और भी तमाम तरह की यहाँ पे दिक्कतें हैं। ये देखिए ये किस प्रकार से जो है बाथरूम का हाल है। EWS के तहत ये मकान जो है गरीबों को आवंटन किए जाने थे, लेकिन पिछले 4 साल से ये बनकर तैयार नहीं हो पा रहे हैं, और जो निर्माण किया जा रहा है वो भी घटिया क्वालिटी का किया जा रहा है। ये थोड़ा सा कैमरामैन दिखाते हैं आपको, देखिए किस तरह से जो घटिया निर्माण किया जा रहा है, हाथ लगाते ही ये जो है पूरी तरह से निकल जा रहा है प्लास्टर, मतलब किसी तरह की कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर भविष्य में जाकर कोई किसी प्रकार का हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतना घटिया निर्माण कैसे किया जा रहा है, क्या ठेकेदार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर ये पूरा टेंडर ही निरस्त किया जाएगा? क्योंकि लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गरीबों ने अपना कमाई जमा पूंजी जो इस मकान में लगा दी है वो किस प्रकार से उनको ये लाभ मिल पाएगा, एक ये बड़ा सवाल है। और हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारों से जानने की कोशिश करेंगे, आखिर जो ये पीड़ित परिवार हैं इनको न्याय कब मिलेगा और इन्हें कब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिए गए उनमें काम पूरा होगा। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ, मैं एल एन मालवी भोपाल।